अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीक 11 लेक्चर। सबसे पहले हम जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में एक हमारा टॉपिक रह गया था, ठीक है, जो कि हमने एक्सिलरी प्लेन्स को और जो है वर्टिकल प्लेन्स को हमने डिस्कस करना था। बिल्कुल स्मॉल सा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, उनको हम स्टार्ट करते हैं। सो दो तरह के केसेस आ सकते हैं जी आपके पास। एक आपके पास है ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन AIP, ठीक है, बेसिकली यानी कि अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कोई एंगल बना रहा है, तो उस केस में जो आपकी प्रोजेक्शन होगी वो कुछ इस किस्म से होगी कि आपके पास फ्रंट व्यू में आपके पास लाजम बात है वो एंगल आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ फ्रंट व्यू विद XY लाइन, ठीक है। दूसरा केस जो है हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, अगर यानी कि वर्टिकल प्लेन के साथ बेसिकली उसका एक एंगल बन रहा है और लेट्स से उसका नाम बीटा है, सो अब उस केस में वो जो लाइन हमारी होगी बेसिकली उसको प्रोजेक्ट हम कुछ ऐसे करेंगे और इसका एंगल जो है वो बीटा आ रहा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन विद वर्टिकल प्लेन इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ टॉप व्यू विद XY लाइन, ठीक है। तो बेसिकली वो यूँ आपस में इम्पैक्ट कर रहे होंगे या चेंज हो रही होंगी। सो अच्छा, अब अगर लेट से हमारे पास एक स्पेशल केस आता है, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है लाइन, ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि यानी कि बेसिकली ये लाइन है जो कि एक प्लेन बना रहा है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, सो यहाँ से क्या होगा फ्रंट व्यू में भी बेसिकली उसका ब्लाजम आता है कॉम्पोनेंट आ रहा होगा और टॉप व्यू में भी एक कंपोनेंट आ रहा होगा, ठीक है। सो अगर हम इसको यूँ प्रोजेक्ट करना चाहें, ठीक है, तो बेसिकली कैसे होगा कि आपके पास ये तीनों हमारे पास प्लेन्स हैं, स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन और यहाँ जो है आपके पास ये आपके पास यहाँ आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। सो इस तरह से करके ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये एक इसमें जो इशू है बेसिकली, अगर मैं आपकी कोर्स बुक जो RS खुरमी है उसकी बात करता हूँ, तो उसने क्या किया है कि उसने ये बनाया ही नहीं है प्रोजेक्ट प्लेन, ये उसने नहीं बनाया, ठीक है, उसने सिंपल सिर्फ ये बनाया है और ये बनाया है, इन दोनों को शो किया और सिर्फ यहाँ ख़त्म कर दिया। ओके, सो अगर हमने ये शो कराना है तो इसमें हमें कुछ अजम्पशन जो है हमें करनी पड़ेगी और स्टार्ट में, और मैं चाहता हूँ कि बेसिकली हम उसको अभी हम करेक्ट कर लें या उसको हम अभी डिस्कस कर लें ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन ये रेज होता है कि देखें, आपने जो है ये जो हमारे पास थर्ड प्लेन है, लाजमी बात है इसको हमने यूँ अनफोल्ड करना है, जिस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री मूव किया तो इसको भी हमने उधर को 90 डिग्री लेके जाना है इस साइड को। सो क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपने ये तो व्यूज़ बना दिए मगर आपने इनके दरमियान ये डिस्टेंस कैसे रखना है, ठीक है, कि लेट से आपने यहाँ ये प्रोजेक्शन बनाई है, ठीक है, ये यहाँ करके, तो आपके पास डिस्टेंस आपके पास जो है जो कि बेसिकली कह लें कि जो ये डिस्टेंस है इसको मैं लेट्स से मैं से एक्स कह रहा हूँ या फिर मैं इस डिस्टेंस को वाई कह रहा हूँ, तो ये हमने कैसे लेना है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो बेसिकली ये है कि जिस तरह ये हमारे पास डिस्टेंस जो कि एक्स से डिनोट हो रहा है, तो इसके अंदर बेसिकली अगर ये पॉइंट है आपके पास ओ, तो ओ से लेके ए और ए से लेके बी, ये तमाम डिस्टेंस जो है ये काउंट फॉर हो रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है जो अपर वाला डिस्टेंस है उसके अंदर आपके पास ओ से लेके ए तक काउंट हो रहा होगा जो कि बेसिकली आपके पास वाई में आ रहा है। अब फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ये दोनों परपेंडिकुलर है और आपको ये नहीं गिवन, यानी कि बेसिकली वो ये कह रहा है कि जी वर्टिकल प्लेन जो है लेट से वो हमारे पास बिल्कुल यहाँ इसके ऊपर बांध रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसके ऊपर बांध रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेसिकली ये जो दरमियान में ये गैप था ये भी ख़त्म है। बिल्कुल आप इसको यार कुछ ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक प्लेन है कि जिस तरह मिरर है आपने शीशे के बिल्कुल साथ एक पेंसिल को आपने रख दिया हो, ठीक है, ये आपकी ये जो लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन है इसके ऊपर आप एक बॉल पॉइंट रखते हैं, तो बेसिकली क्या होगा कि लाइट अगर पड़ेगी भी तो प्रोजेक्शन तो बनेगी मगर आपके पास जो है वहाँ वो डिस्टेंस ज़ीरो हो गया, ठीक है, यानी कि बेसिकली वो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस था वो नहीं आपके पास आएगा, ठीक है। सो इस पॉइंट को जहन में रखना है और ये आगे चल के जो हमारी अभी लास्ट एग्जाम्पल होगी उसमें काउंट भी हो रहा होगा, ठीक है, ओके। तो बाकी इसी तरह जो साइड व्यू उसको ये डबल डैश बी डबल डैश से डिनोट किया जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड व्यू है, ओके जी, बाकी सारा कुछ इसी तरह। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि थीटा और फाई मिलके जो है वो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते,
ठीक है, इट्स एच टी एंड वी टी विल अराइव ऑन सेम प्रोजेक्टर एंड कैन इजीली बी लोकेटेड फ्रॉम साइड व्यू, ठीक है, और उसके बाद जो है इट्स साइड व्यू शोज़ द ट्रू लेंथ, ठीक है, बेसिकली एक्चुअल लेंथ उसमें आ रही होगी, और उसके बाद जो है दोनों वर्टिकल होंगे, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, ठीक है, सो हेंस दे अराइव ऑन सिंगल प्रोजेक्टर। ओके, सो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, सिंपल ये है कि जी लाइन ए बी है, ठीक है, 80 mm लॉन्ग मेक्स एन 30 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड लाइज इन एन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन एंड ए इज़ 15 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल ट्रेसेस 10 mm बिलो एक्स वाई लाइन, ड्रॉ प्रोजेक्शंस, फाइंड एंगल, ठीक है, विद वी पी एंड एच टी। अब बेसिकली इसमें क्या है कि आपने बेसिकली इसको यार आप ऐसे समझो कि जो बेसिकली ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का केस, आप इसको ऐसे समझो कि बेसिकली ये एक इंक्लिनेशन है आपकी टॉप व्यू के साथ आपकी लाइन की, ठीक है, तो यानी कि ये केस तो हम करते हैं यहाँ, ठीक है, कि बेसिकली आपकी लाइन है वो टॉप व्यू के साथ इतने डिग्री इंक्लाइंड है, सो बेसिकली इसको ऐसे लेके चलें, ठीक है, सो आपके लिए ईजी होगा। सो अब देखें एक्स वाई लाइन बन गई, ठीक है, यहाँ से हमने एक रेफरेंस लाइन लगाया और हमें सबसे पहले जो है पॉइंट्स को हमने स्पेसिफाई करना है, ठीक है, देखें एक आपको जो है यहाँ वर्टिकल ट्रेस का आपको पता है कि जी 10 mm बिलो एक्स वाई लाइन है, ठीक है, और एंड ए जो है डैट इज़ 15 mm अबव एच पी, ठीक है, सो वो भी हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, और लोकस बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एंगल लाजमी बात है आपको यहाँ लाइन ए बी की जो है ट्रू लेंथ आपको गिवन थी, उसका एंगल जो है आपको 30 डिग्री गिवन है, सो आपने वो लाइन ड्रॉ आपने एक इमेजिनरी एक वो लाइन ड्रॉ की, ठीक है, लाजमी बात है, और इसी तरह जो है ये एक 45 डिग्री की जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, बेसिकली आपने प्लेन की लाइन वो भी आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, अभी फिल वक्त। ओके, जहाँ लोकस के साथ मीट करना था वहाँ बेसिकली आपके पास वो A1 डैश था, यहाँ से इसी लाइन पर आपने तकरीबन 80 mm मूव करना है, तो आपके पास जो है यहाँ पॉइंट B1 आ जाना था, B1 डैश आ जाना था, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू लेंथ थी, ठीक है, सो ये आपके पास 80 हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ आपके पास बेसिकली यहाँ प्रोजेक्शन आ रही है, ठीक है, ट्रू लेंथ की, सो इससे जो है हम जो बॉटम पे हमारे पास कह लें कि जो व्यू है, ठीक है, उसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमारा टॉप व्यू बनना है बेसिकली उसके लिए हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा उसके एक्चुअल जो है वो कहाँ लाइक कर रहा होगा। सो हमने क्या किया कि ये 80 हमारे पास मौजूद था, हमने यहाँ से रख के हमने जो है स्ट्रेट हमने यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉप की नीचे को यहाँ, और यहाँ से जो फिर हमारे पास जो भी हमारे पास ये डिस्टेंस बना, ठीक है, लेट से आपके पास जो ये डिस्टेंस आपके पास बना है ये अराउंड वी टी से या फिर वी से कह लें कि वी से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपने वो रखा, और आपने जो है फिर यहाँ से समवेयर अराउंड हेयर आपने यहाँ से जो है बेसिकली एक आर्क खींची, ठीक है, और आपके पास चूंकि 45 डिग्री इंक्लाइंड था वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये वाली लाइन, सो उसके ऊपर वो कहीं किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगा, जहाँ भी मीट किया, ठीक है, आपने वहाँ लोकस बना दिया क्योंकि आपके पास वो बी डैश आपके पास वो प्रोजेक्शन का पॉइंट आ गया, ठीक है, सो आपको पता है कि जो प्रोजेक्शंस होती हैं दोनों वो बेसिकली एक सिंगल लाइन पे लाई करेंगे, सो जब आपने इसके ऊपर ड्रॉ किया तो आपके पास वहाँ लोकस के ऊपर बी डैश आ गया। अच्छा, ये अब आपके पास आ गया तो आपने यहाँ से दोबारा इसको ज्वाइन किया वी टी के वर्टिकल ट्रेस के साथ, तो अब आपके पास बेसिकली जो ये लाइन इसने लोकस ये ए को जहाँ इंटरसेक्ट करना है वहाँ आपके पास प्रोजेक्शन आ जानी है, ठीक है, इसकी, और इसी तरह अब यहाँ से आप सिंपल लाइन ड्रॉप करें तो आपके पास जो है इसके लिए भी आ जाएगा, ठीक है, और आपने सिंपल इनको ज्वाइन कर दें, सो आपके पास यहाँ प्रोजेक्शन आ गई हैं। अब एक चीज़ रह गई है, ठीक है, कि हमने ट्रू लेंथ जो है हमने डाउनवर्ड्स अगर हमने निकालनी हो, सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप बेसिकली यहाँ से जो ए बी की लेंथ है आप उससे आपने बेसिकली कह लें कि आप भी बल्कि आप उस तरह यार ठीक है डैट इज़ फाइन, आप बेसिकली जो आपके पास ये लेंथ है, ठीक है, आपने रख के वो कर्व फाइंड आउट की, ठीक है, और उसको आपने यहाँ नीचे ड्रॉप कर देना, ठीक है, सो आपके पास जो है बेसिकली ये लेंथ बनती है वी से लेके, ठीक है, वी से लेके यहाँ तक की जो लेंथ थी आपने वो मेजर की पहले, ठीक है, वी से लेके आपने ये यहाँ तक ये पॉइंट बी बी डैश तक ये आपने मेजर की, ठीक है, नॉट दिस वन बेसिकली
यस, ये आपने यहाँ से मेयर की और फिर आपने ये कर्व लगाई और उसके बाद इसको डाउनवर्ड ड्रॉप कर दिया और आपके पास जो है यहाँ बेसिकली वो ट्रू लेंथ आपके पास आ जाएगी। ये पॉइंट आ जाएगा, इसको आप वी के साथ ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास ट्रू लेंथ आ जाएगी सेकंड केस के लिए। सो इस तरह जो है ये सिंपल सॉल्व होगा, बिल्कुल वही जो हमने पहले केस कवर किया था। सो लास्ट प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें देखें तो आपको ये गिवन है कि जी लाइन ए बी 75 mm लॉन्ग है, इसका एक एंड जो है हैज़ वन एंड ए इन वर्टिकल प्लेन, अदर एंड बी इज़ 15 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। इसकी हमने प्रोजेक्शंस वगैरह ड्रॉ करनी है जबकि एंगल जो है दोनों के केसेस में इसके साथ 90 डिग्री है, मसलन ये बिल्कुल प्रोफाइल प्लेन के ऊपर लाइक आ रहा है। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप क्या है कि जी एक्स वाई प्लेन आपके पास लाइन आ गई, ठीक है, आपने ये लाइन ड्रॉ की और उसके बाद आपने एक ये लाइन ड्रॉ की। अच्छा, इस लाइन को ड्रॉ करने ये बेसिकली क्या था, ये लाइन हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। अब मैंने जैसे आप लोगों को याद हो जब हम प्रोफाइल प्लेन की बात कर रहे थे तो मैंने आपके एक चीज़ मैंने आप लोग को कही थी कि आपने ये मेक श्योर करना है कि बेसिकली यहाँ अगर आपको याद हो तो वहाँ जो प्लेन था उसमें एक ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस था, उसके बाद जो है डाउनवर्ड ए से लेके बी तक का भी डिस्टेंस मौजूद था, ऐसे ही है। अच्छा, अब जो है आप इसको कुछ ऐसे अज्यूम करें कि हमारे पास जो है ना वहाँ, बल्कि हम वहाँ उसको रेफर कर लेते हैं, वहाँ पीछे चलते हैं। देखो ये हमारे पास इमेज मौजूद है, ठीक है। सो अभी आपके पास जो है कह लें कि यहाँ जाके बेसिकली प्लेन वो स्टार्ट होना है, ठीक है। ये लाइन थी, ये यहाँ से ये लाइन बेसिकली वो जो वहाँ ग्रीन लाइन थी वो बेसिकली वो इस लाइन को शो करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ बेसिकली उन्होंने वो प्लेन बनाना है, ठीक है। सो ये बेसिकली जो आपके पास डिस्टेंस था, ठीक है, वो हमारे पास वाई था, वाई था बेसिकली ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ठीक है। सो ये हमने बेसिकली करना था। अब हमारे पास यहाँ इशू क्या आया है, अगर हम आगे चलते हैं अपने इस केस में, ठीक है, यहाँ हमारे पास इशू क्या आया कि यहाँ हमें ऐसे कोई डायमेंशन नहीं गिवन, ठीक है। सो और ना ही जो आपकी कोर्स बुक है उसमें ये चीज़ कवर की गई है एग्जैक्टली। सो इसके बारे में जो भी लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप ये जो प्लेन वाली डायमेंशन होती है आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, ठीक है। आप इसे 1 mm रखो, 2 mm रखो, 3 mm रखो, ठीक है, जैसे आपको कह लें कि हसबे पसंद या हसबे जायका, आपने अपनी मर्ज़ी से ये रख दिया। लेट से आप 10 रख दो, 20 रख दो, इसमें कोई कैद नहीं है, ओके। अच्छा, क्योंकि एक तो डाटा भी नहीं गिवन और जो है हमें कोई स्पेशल, जब हमें कोई वो नहीं स्पेसिफिकेशन नहीं देगी सो हमें फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं, और जब हम देख रहे हैं कि वो ए सी लेके ए ओ ओ ए का डिस्टेंस है तो वो हमें वो भी गिवन नहीं है, ओके। अच्छा, अब हमने ये अपनी मर्ज़ी से हमने एज्यूम कर ली वाली कोई भी, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने क्या करना है कि अब हमें यहाँ ये गिवन है कि सबसे पहले जो प्रोजेक्शंस के पॉइंट गिवन है, एक हमें क्या है कि जी जो लाइन ए बी है, ठीक है, 75 mm उसकी टोटल लेंथ है, ठीक हैज़ वन एंड इन वी पी, ठीक है, अदर एंड इज़ 15 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सो आपके पास एक पॉइंट जो है वो आपके पास आ गया 15 mm अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक आ गया आपके पास 50 mm बिलो वर्टिकल प्लेन, यानी कि बी डैश और बी, ये आपके पास दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है देखें ये तो आपके हमारे पास जो है इनिशियली प्रोजेक्शन आ गई, ठीक है, और बेसिकली जब इसने ये बात की ना कि वन एंड इन वी पी, ठीक है, सो वन एंड इन वी पी की वजह से हमने एक जो ये पॉइंट ए है इसको बिल्कुल एक्स वाई प्लेन के ऊपर रख दिया कि वो इन प्लेन है, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने कर दिया, इसीलिए देखें इसकी वजह से जो वो हमारा ये ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस था वो हमारे पास ख़त्म हो गया क्योंकि हमने कह दिया कि जी यही प्लेन जो है यही हमारा वी पी के ऊपर है, यानी कि इसको आप कुछ ऐसे इमेजिन करो कि अगर मेरे पास लेट से वो जो प्लेन था हमारे पास, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हमारे पास प्लेन था, ठीक है, यहाँ हमने प्लेन बनाया था और यहाँ करके हमारे पास एक वो प्लेन आ रहा था, ठीक है। आप फ़र्ज़ करो कि वो जो प्लेन था, ठीक है,
और प्लेन में भी जो वो लाइन थी हमारी, वो फर्ज करें कि वो लाइन ही आपके पास वर्टिकल प्लेन को टच कर रही है, तो उस केस में क्या होगा कि वो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस था, लेट मी शो यू अगेन, ठीक है, जो पॉइंट मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि देखो यहाँ आप जब आप कन्वे कर रहे हो ना, तो प्लेन तो मौजूद है, मगर ये देख रहे हो दरमियान में ये गैप मौजूद था, ये गैप यहाँ कन्वे हुआ ओ ए की फॉर्म में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या आप इसको यूँ इमेजिन करो कि ये लाइन ही डायरेक्ट इस प्लेन के साथ लगी हुई है, यानी कि बेसिकली यूँ करके वो लाइन ऐसे करके है, ठीक है, तो वो ओ ए वाला गैप ही बीच में से ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया, ठीक है, तो एक तरह से कह लें कि आपके लिए ज़िंदगी आसान हो गई, आपने अपनी मर्जी से जो ये अब प्रोजेक्शन में जो ये गैप था, देखें ये भी तो पूरा रेक्टेंगल है, तो आपने वो रेक्टेंगल पूरा किया, फिर आपने बनाना था, तो आपने क्या किया कि बेसिकली ओ ए का शायद डिस्टेंस जो किक इन करता वो शायद यहाँ से करता, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने जो ये डिस्टेंस है इसको आपने स्किप कर दिया, और हमने ये अपनी मर्ज़ी से जो ये डिस्टेंस है वो हमने अपनी मर्ज़ी से सेट कर दिया, लेट्स से इसे 20 कर दें, 30 कर दें, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिगर आप कर दो, ठीक है। अच्छा, अब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं। ओके, सो हम यहाँ हैं मौजूद। ओके जी, सो आपके पास ये पॉइंट आपके पास बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जो बी डैश है वहाँ से आपने एक जो है वर्टिकल लाइन पास ऑन की, ठीक है, और उसके ऊपर जो है आपका ये हमारा, अब ये जो ब्लैक बना ये बेसिकली आपके पास साइड व्यू है, ठीक है, ये उसका प्लेन है। अब आपने क्या करना है कि जो आपको याद होगा कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो बेसिकली ए बी है, सो ए बी जो है वो आपको डिस्टेंस गिवन है वो 55 है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस है, जो कि आपके पास ये डिस्टेंस है, ये तो मैंने बताया ना कि आपने अपनी मर्जी से सेट किया, ठीक है, यानी कि 20 था, 30 था, वट एवर जो भी था आपने वो सेट कर दिया, ठीक है, हम कह देते हैं ये 30 हमने अपनी मर्जी से सेट किया। अब क्या करेंगे, आप कंपास यहाँ रखोगे, ठीक है, और आपको पता है कि ये डिस्टेंस आपके पास जो है वो 55 है, ठीक है, सॉरी यस 50 है, ठीक है, सो आपने यहाँ से रख के 50 का कंपास आप ओपन अप करोगे, ठीक है, और यहाँ से आप यूँ लाइन लगाओगे, ठीक है, जो कि आपके पास कुछ ऐसे करके लग गई, ठीक है, और यहाँ मीटअप हो गया, सो ये अब पॉइंट जो है अब हमारे पास जो एक्चुअल जो हमारे पास साइड व्यू है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, कि यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट होगा। अच्छा, यानी कि बेसिकली हमारा जो एक्चुअल व्यू है वो स्टार्ट होगा, जो ये वर्टिकल प्लेन था क्योंकि हमने अपनी मर्जी से सेट किया था, इसको आप अपनी मर्जी से जो है आप मज़ीद आगे एक्सटेंड करते जाएं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ शायद आप लोगों के जहन में आए, और मैं इसके बाद आप लोगों को मैं वो आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा जो शायद आपके जहन में एक चीज़ खटके। तो हमने क्या किया कि 75 की कंपास ओपन अप की, ठीक है, बी डबल डैश से वहाँ से जहाँ वो मीट किया वहाँ हमने लाइन लगा दी, ठीक है, जो कि ये ए डबल डैश शो कर रहा है, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ गया। अच्छा, अब इशू शायद आपके केस में ये आए कि यार ये लाइन हमने आर्बिट्रेरीली ऐसे ही लगा दी है 75 mm की, ठीक है, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है क्या ये सही होगी भी कि नहीं होगी, ठीक है, सो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है शायद आपके जहन में है। तो देखो हमने जब यहाँ ओरिजिन पर रख के हमने बेसिकली कितने डिस्टेंस की लाइन लगाई, 50 mm की, ठीक है, 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, सो हमें यहाँ ओरिजिन से जब हम पॉइंट ले रहे थे और हमारे पास जब ये लाइन मौजूद थी, तो बेसिकली जब हमने यहाँ से इसी को जब हमने उस सर्कल में खींचा, तो बेसिकली जो जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस आपके पास यहाँ आया, और अगर आप इसको ट्राइंगल को सॉल्व करते हो और आपके पास ये एंगल नोन है, ठीक है, तो जब आप ये वाली लाइन निकालोगे तो ये एग्जैक्टली वही निकलेगी जो कि आपके वो एग्जैक्टली जो है ये 50 ही निकलेगी, ठीक है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, सो हमने इसको ऐसे कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, जब आपके पास ये वाला प्लेन आ जाता है, ठीक है, तो आप हम यहाँ से इसका व्यू भी कंप्लीट कर सकते हैं कि आपने यहाँ से लाइन एक्सटेंड करोगे, ठीक है, आपके पास बाय द वे वर्टिकल ट्रेस है, ठीक है, इसको हमने एक्सटेंड किया, सो आपके पास यहाँ ए डैश आ गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको मज़ीद आप जो है यहाँ से ये जो ये वैल्यू थी आपने इसको एक्सटेंड किया यहाँ तक, ठीक है, तो आपके पास यहाँ इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल ट्रेस आ गया, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगी, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ देखें वो वर्टिकल प्रोजेक्शन आ गई आपकी, ठीक है, कंप्लीट ये वाली। अच्छा, सो
ठीक है। सो इस तरह जो है हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये कंफ्यूज ना होइएगा, हॉरिजॉन्ट जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो आपके पास यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपके पास ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, क्योंकि वो हमने वो ब्लैक वो हमने हाईलाइट किया हुआ था बॉर्डर को, सो उससे आपको ये कन्फ्यूजन ना हो इसमें, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक हटके एक हल्की सी एक चीज़ थी जो कि बेसिकली लिटरेचर में उस तरह नहीं मौजूद, बट आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे होगा, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ये प्रॉब्लम 8 है, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया कि आप बेसिकली वर्टिकल जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है आप उसको बिल्कुल ऐसे लेके चलो कि जो हमारे पास हमने लास्ट एग्जाम्पलें की हैं कि आपके पास बेसिकली लाइन है और उसका जो है टॉप व्यू के साथ एक इंक्लिनेशन है, ठीक है। अगर हम उसको उस तरह उस तनाजुर से लेके चलेंगे तो आपके लिए सॉल्व करना बिल्कुल जो हमारे पास पुराने क्वेश्चन होंगे बिल्कुल उनसे मिलता जुलता ही होगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ जो है आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। सो सिंपली जस्ट विल फिनिश इट ऑफ और इसके बाद जो है राइट अवे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स है वो इटसेल्फ भी एक बड़ा टॉपिक है, सो वो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली 2 वीक्स के ऊपर लाई कर रहा होगा। सो आप इसको भी टाइम दें, ठीक है, चूँकि पहले वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है, फर्स्ट है। उसके बाद जो है जो अगले वीक हैं उसमें से हाफ आपने आज कर लो, हाफ काम जो है आप लोग नेक्स्ट वीक पे कर लोगे, यानी कि बेसिकली इसको 2 वीक्स के ऊपर हमने करना है। लेक्चर सारे अपलोडेड हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सारा आज कर लो और अगले वीक के लिए आप जो अगर कोई क्वेरीज हैं हम वहाँ उनको एंटरटेन कर सकते हैं। सो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे, बाकी जो भी डिसीजन फाइनल होता है चूँकि रिकॉर्डिंग में पहले कर रहा हूँ, सो जो भी उस टाइम पे जो कंडीशंस होंगी उनको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करके लाजमी आता है अब तक आपके इल्म में आ गया होगा कि हमने क्या करना है। सो जी, टेक केयर एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर।